2012 में रिलीज हुई दिस इज 40 मूवी एक कपल के बारे में है, जिसमें दिखाया गया है कि जब कपल 40 साल के हो जाते हैं तब उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उनके रिश्तों में कैसे कैसे रुकावटें आती जाती हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मैरिड कपल पिट और डेबी को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉवर में इंटीमेट हो रहे होते हैं। पिट बताता है कि आज उसने बयाग्रा लिया है इसलिए आज वो इतना एनर्जेटिक है, लेकिन ये बात डेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बाहर चली जाती है। उसे लग रहा था कि अब वो पिट को अट्रैक्टिव नहीं लगती, इसलिए उसे इंटीमेट होने के लिए बायाग्रा लेनी पड़ती है। पिट डेबी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ जोश में कमी आती रहती है, जबकि डेबी का मानना था कि पिट के फास्ट फूड और मीठा खाने के कारण उसमें जोश की कमी आ रही है। डेबी का आज बर्थडे है और उसकी उम्र लगभग 40 साल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद वो सबको अपनी उम्र कम ही बताती है क्योंकि वो इतनी जल्दी बुढ़ी नहीं होना चाहती। दूसरी ओर पिट भी लगभग 40 साल का हो चुका है और उसका बर्थडे भी इस हफ्ते आने वाला था। इन दोनों की दो बेटियां भी होती हैं, जिनमें से एक का नाम सैंडी है जो कि टीनेजर है और दूसरी का नाम चार्लोट है जो कि 8 साल की है, और इन दोनों बहनों में जरा सी भी नहीं बनती। उम्र बढ़ने के कारण पिट और डेबी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं और उम्र के साथ दोनों की पसंद काफी अलग होने लगती है। डेबी को जिस तरह का म्यूजिक पसंद था उस तरह के म्यूजिक पिट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसके बाद एक दिन डेबी अपनी शॉप में जाती है जिसमें डेजी और जेडी नाम की दो लड़कियां काम करती थी। डेबी को पता चलता है कि सेल्स स्टॉक में $12,000 गायब है, इसलिए वो उसके बारे में जेडी से पूछती है तो जेडी बताती है कि ये काम डेजी का ही होगा और उसने ही ये पैसे चुराए होंगे। लेकिन डेबी को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि डेजी शॉप में काफी अच्छा काम करती है। दूसरी ओर पिट का भी एक म्यूजिक स्टोर होता है जहां वो पुराने एल्बम सेल करता है, लेकिन आजकल पिट का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था। पिट अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ पुराने रॉक स्टार को भी बुलाता है, लेकिन आजकल के लोगों को पुराने एल्बम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसी कारण से पिट का ये प्लान भी कुछ खास काम नहीं करता और बिजनेस में लॉस होने की वजह से पिट ईएमआई भी समय पर नहीं भर पाता और उसे अपने घर बेचने की भी नौबत आ जाती है। लेकिन वो इन सब के बारे में डेबी को बिल्कुल भी नहीं बताता क्योंकि वो डेबी को टेंशन में नहीं डालना चाहता था। अगले दिन डेबी पिट से कहती है कि उन्हें जिंदगी अच्छे और खुशनुमा तरीके से जीनी चाहिए और अब उन्हें इस तरह से झगड़ना बंद करना चाहिए, और फिर उसके लिए वो लोग कुछ रूल्स बनाते हैं जैसे कि वो लोग रोज एक्सरसाइज करेंगे, पिट को मीठा खाना छोड़ना होगा, डेबी को सिगरेट पीना छोड़ना होगा और वो दोनों अपनी बेटियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही पिट को अपने फादर को भी पैसे भेजना बंद करना होगा क्योंकि पिट के फादर बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे, और फिर पिट डेबी दोनों इस रूल्स को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को शॉप का सीसीटीवी चेक करते वक्त डेबी पिट को बताती है कि उसकी शॉप से $12,000 गायब है और ये काम शायद डेजी ने ही किया है, लेकिन डेबी उस पर सीधा इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि डेजी की वजह से ही शॉप में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। फिर सीसीटीवी चेक करने पर दोनों को पता चलता है कि डेजी अपने कुछ कस्टमर्स के साथ शॉप में ही इंटीमेट हो जाती है, लेकिन इन सब से डेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अगले दिन पिट अपने फादर लैरी से मिलने जाते हैं जिनके 3 और बच्चे हैं। पिट उनसे कहता है कि वो अब उन्हें पैसे नहीं भेज सकता, लेकिन लैरी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और मजबूरी में पिट को उन्हें पैसे देने ही पड़ते हैं। लेकिन वो ये बात अभी भी डेबी से छुपाता है क्योंकि उसको पता है अगर वो ये बात डेबी को बताएगा तो डेबी उस पर गुस्सा करेगी। डेबी भी अपने बायोलॉजिकल फादर ओलिवर से मिलने जाती है। ओलिवर ने डेबी की मदर को कई साल पहले ही छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी। आज 7 सालों बाद वो डेबी से मिल रहा था। इसके कुछ दिन बाद घर पर डेबी अपनी बेटियों को बताती है कि उन्हें घर का खर्चा करना होगा और इसके लिए वो घर का वाईफाई निकलवा रहे हैं और अब कंप्यूटर भी दिन में बस 30 मिनट ही चलाया जाएगा। ये सुनकर सैंडी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम कंप्यूटर में ही बिताती थी। पिट और डेबी दोनों अपने प्रोफेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से काफी इरिटेट हो गए थे और इसलिए वो दोनों वीकेंड मनाने के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं ताकि उन्हें अपनी स्ट्रेस लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक मिल सके। रिजॉर्ट में पिट बताता है कि वो अपने साथ नशीली कुकीज लाया है और फिर इन कुकीज को ये दोनों खा लेते हैं और दोनों नशे में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ समय उस रिजॉर्ट में बिताने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और उन लोगों की रेगुलर वही बोरिंग लाइफ फिर से चालू हो जाती है। एक दिन डेबी जेडी को बताती है कि डेजी ने काफी महंगे कपड़े खरीदे हैं और एक कार भी ली है और इन सब के पैसे शायद उसने शॉप से ही चुराए हैं। डेबी को अब डेजी पर शक होने लगा था और फिर डेबी चालाकी से डेजी से कपड़ों के बारे में उससे पूछती है, लेकिन डेजी का कहना था कि उसने घर में ही ये कपड़े बनाए हैं। डेबी देखती है कि डेजी का ब्रेस्ट साइज काफी बड़ा है। ये देख डेबी को लगता है कि
डेजी ने कोई महंगा ऑपरेशन करवाया होगा, लेकिन डेजी का कहना है कि ये नेचुरल है। उसी दिन सैडी अपने दोस्त को अपने घर लेकर आती है और सैडी डेबी से वाईफाई ऑन करने की परमिशन मांगती है, लेकिन डेबी मना कर देती है, जिससे सैडी को गुस्सा आ जाता है और वो डेबी से बहस करने लगती है। इससे नाराज होकर डेबी सैडी का मोबाइल और कंप्यूटर दोनों छीन लेते हैं। रात को पिट और डेबी सैडी का मोबाइल चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सैडी के स्कूल में जोसेफ नाम का एक लड़का उसकी फोटोज पर नेगेटिव कमेंट करता है। साथ ही पिट को अपनी शॉप से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इस बार एल्बम्स और भी ज्यादा कम बिकी हैं, यानी कि पिट का बिजनेस और भी ज्यादा लॉस में चल रहा है। लेकिन पिट ये बात डेबी से छुपाता है। लेकिन अगले ही दिन इनका सीए डेबी को सब कुछ बता देता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पिट और उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और पिट अभी भी अपने फादर को पैसे देता है। इसके बाद डेबी अपने गायनोलॉजिस्ट के पास चेक करवाने के लिए जाती है और यहाँ उसे खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनकर डेबी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में वो बच्चा नहीं चाहती और वो दो बच्चों को ही मुश्किल से संभाल पा रही थी। डेबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये खबर पिट को कैसे देगी। अगले दिन पिट और डेबी सैडी के स्कूल में जाते हैं और डेबी पिट से पूछती है कि क्या वो दो से ज्यादा बच्चे चाहता है, जिस पर पिट कहता है कि उसे तो एक ही बच्चा चाहिए था, लेकिन दो भी ठीक है, पर तीसरा बच्चा तो वो बिल्कुल नहीं चाहता। ये सुनकर डेबी उसे प्रेगनेंसी वाली बात बताती ही नहीं और ये बात वो उससे छुपा लेती है। कुछ देर बाद कैंपस में डेबी को वही जोसेफ नाम का लड़का मिलता है जो सैडी के फोटोज पर नेगेटिव कमेंट करता है। डेबी उसके पास जाकर उसे धमकाती है कि वो सैडी से तमीज से बात करे और फिर वो उसे गाली देने लगती है। ये सुन जेशो वहीं पर रोने लगता है। ये देख डेबी उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। उसी रात को डेबी डेजी को लेकर एक बार में जाती है ताकि वो उसे आसानी से शॉप में हुई चोरी के बारे में पूछ सके। दोनों बार में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक लड़का डेबी को सिंगल समझकर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए पूछ भी लेता है, लेकिन डेबी उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो शादीशुदा है। पार्टी के बाद डेबी डेजी से पूछती है कि क्या वो शॉप में हुई चोरी के बारे में कुछ जानती है, जिस पर डेजी साफ मना कर देती है। फिर डेबी पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहां से आते हैं और डेजी बताती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और वो पैसे लेकर लोगों के साथ इंटीमेट होती है। और फिर वो ये भी बताती है कि शॉप से हुई चोरी और कोई नहीं बल्कि मासूम दिखने वाली जेडी ने ही की होगी, क्योंकि वो ड्रग्स भी लेती है। ये सुनकर डेबी भी अपना सच रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये बात अभी तक पिट को नहीं बताई है। फिर डेजी डेबी से कहती है कि वो पिट से इंटीमेट होते समय ये बात बताए, जिससे वो खुशी से झूम उठेगा। अब रात को डेबी इसी इरादे से पिट के पास जाती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण डेबी को बहुत खराब लगता है और उसे लगने लगा है कि पिट अब उससे उतना प्यार नहीं करता। पिट ऑलरेडी अपने बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था और फिर डेबी उसे इन सब के बारे में कहती है, जिसके कारण पिट इरिटेट हो जाता है और फिर वो डेबी से झगड़ने लगता है और ये दोनों बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन पिट अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाता है तो पिट से जोसेफ की माँ कैफरीन आकर मिलती है और कहती है कि वो अपनी बीबी को संभाल कर रखे। ये सुनकर पिट भी गुस्सा हो जाता है और फिर वो कैफरीन और जोसेफ को गाली देने लगता है और कैफरीन प्रिंसिपल से इसके बारे में कंप्लेंट कर देती है। दूसरी तरफ डेबी जेडी से मिलती है जो कॉन्फ्रेंस करती है दूसरी तरफ डेबी जेडी से मिलती है जो कॉन्फ्रेंस करती है कि शॉप से चोरी हुए पैसे उसी ने चुराए हैं ड्रग्स खरीदने के लिए, और यहां तक कि वो अभी भी नशे में थी। और फिर ये जानकर डेबी उसे जॉब से निकाल देती है और फिर इसके बाद डेबी को स्कूल से मैसेज आता है और उसे स्कूल में बुलाया जाता है, इसलिए वो स्कूल चली जाती है। वो वहाँ जाती है तो कैफरीन उन दोनों पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने उसे और उसके बेटे को गंदी गालियाँ दी हैं। लेकिन प्रिंसिपल रूम में पिट और डेबी दोनों काफी मासूम शक्ल बना लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर कैफरीन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर पिट और डेबी के साथ साथ वो प्रिंसिपल को भी गाली देने लगती है। ये देख सुनकर प्रिंसिपल पिट और डेबी को मासूम समझकर घर भेज देते हैं। और फिर कुछ देर बाद सैडी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसका फोन और उसके मैसेज चेक कर रहे थे और उन्होंने जोसेफ को धमकाया है, तो वो उनसे बहुत नाराज हो जाती हैं और उन्हें बहुत बुरा भला सुना देती हैं। अगले दिन पिट की बर्थडे पार्टी होने वाली थी, इसलिए डेबी और पिट बात करते हैं कि उनके बीच झगड़े उनके पेरेंट्स की वजह से होते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो उनके बीच भी लड़ाइयां नहीं होंगी, और वो डिसाइड करते हैं कि कल वो पूरा दिन पॉजिटिव रहेंगे। अगले दिन पिट का बर्थडे होता है जिसमें कई सारे लोग आते हैं और इनमें पिट के फादर लैरी और डेबी के फादर ओलिवर भी शामिल होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन लंच के दौरान इन लोगों में फिर से बहस होने लगती है। लैरी ओलिवर से कहता है कि वो 7 सालों में डेबी से क्यों नहीं मिला और वो इतना अमीर है तो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इस पर डेबी गुस्सा हो जाती है और वो लैरी से कहती है कि वो अपने बेटे से पैसा मांगना बंद करें, और फिर इसी वजह से पिट और डेबी में फिर से बहस होने लगती है। कुछ देर बाद पिट अपना केक कट करता है और डेबी छुपकर सिगरेट पीने लगती है, लेकिन सैडी उसे देख लेती है और उस पर चिल्लाती है। ये सुनकर डेबी की एक दोस्त गलती से बोल देती है कि प्रेगनेंसी में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और फिर ये बात पिट और पूरी फैमिली सुन लेती है। पिट डेबी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि
उसने प्रेगनेंसी वाली बात उससे छुपाई और फिर वो अपनी साइकिल लेकर बाहर चला जाता है। देवी भी अपने फादर से बहस करने लगती है कि वो उसे सालों पहले छोड़कर क्यों चले गए थे और अगर वो नहीं गए होते तो उसकी लाइफ भी परफेक्ट होती जैसे ओलिवर की है। और फिर ओलिवर बताता है कि भले ही उसके पास पैसे हैं लेकिन वो खुश नहीं है। उसका बेटा ड्रग्स लेता है और उसकी बीवी उससे कभी भी बात नहीं करती। उसके पास कोई नहीं है जिससे वो कुछ पल बात कर सके और इसलिए वो पिट की बर्थडे पार्टी में आया था ताकि डेवी और उसकी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिता सके। ये सब सुनकर डेवी ओलिवर को माफ कर देती है और उसे कुछ देर और घर में रुकने को कहती है क्योंकि उसे पिट को ढूंढने जाना था। फिर वो लैरी के साथ पिट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर पिट गुस्से में बहुत तेज से साइकिल चला रहा होता है और अचानक से एक आदमी अपनी कार के डोर को ओपन करता है और पिट उसमें जाकर टकरा जाता है। पिट उस आदमी से लड़ाई करने लगता है क्योंकि गलती उसकी थी, पर वो आदमी पिट को ही मुक्का मार के वहां से भाग जाता है। जब डेवी और लैरी पिट को देखते हैं तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वेटिंग एरिया में वो दोनों अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं। लैरी कहता है कि डेवी काफी अच्छी है और उसी वजह से उसकी फैमिली बंधी हुई है। उसके बाद डेवी पिट से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है। पिट कहता है कि वो तीसरा बच्चा होने की न्यूज से काफी खुश है और वो बस इस बात से गुस्सा है कि डेवी ने उसे ये बात बताई क्यों नहीं। और रही बात फाइनेंशियल कंडीशन की तो वो अपने घर को बेचकर कोई छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद पिट और डेवी दोनों के रिश्ते काफी सुधरने लगते हैं और दोनों में फिर से अच्छा कनेक्शन बनने लगता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।